अब मेरे भाइयों वो हदीस मैं आपको वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता हूं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है सूर तोबा की आयत नंबर के कॉन्टेक्स्ट में का बिन मालिक की तोबा का बयान ये सही बुखारी में बाकायदा इमाम बुखारी ने बाप बांधा है और इस हदीस का इंटरनेशनल नंबर है डबल फोर वन एट और यह हदीस मुस्लिम में भी है सेवन जीरो वन सिक्स वर्ड बाई वर्ड मैं ये हदीस बयान करूंगा क्योंकि इसकी रिक्कत इसी में है कि मैं इसे लफ्ज बा लफ्ज बयान करूं आप उस तकलीफ का एहसास करें जिससे का भी उन्हें मालिक गुजरे और फिर अल्टीमेटली उनकी तोबा कबूल हुई और ऐसी तोबा कबूल हुई कि क्या मत तक कुरान में उनकी तोबा का जिक्र है कि अल्लाह ने कबूल की और उसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह तोबा है जब वो गजब तबूक से पीछे रह गए ये उनका बेटा है अब्दुल्ला वो इस हदीस को बयान करता है इमाम बुखारी ने चंद वास्तों से उनके बेटे से यह हदीस ली है वो अब्दुल्ला और इस बेटे का जिक्र इमाम बुखारी ने किया कि जब काब रदील्ल् ताबीना हो गए तो उनके बेटों में से अब्दुल्ला ही था जो उनको रास्ते में पकड़ कर चलाया करता था मस्जिद तक ले जाता था वो अब्दुल्ला बयान करता है कि मैंने अपने वालिद का बिन मालिक से उनके गजब तबूक में शरीक ना हो सकने का वाक़ सुना तो उन्होंने बताया कि गजव तबूक के सिवा और किसी गजबा में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं रसुल्ला के साथ शर्क ना हुआ हूँ अलबत् गजब बदर में भी मैं शरीक ना हो सका लेकिन जो लोग गजब बदर में शरीक नहीं हो सके इनके मतलब आप ने किसी किस्म की नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया था क्योंकि वो ऑप्शनल था वो अब जिक्र भी आ रहा है क्योंकि आप सलील वालम इस मौका पर सिर्फ कुरेष के काफिले की तलाश में निकले थे लेकिन रास्ते में अल्लाह तला के हुक्म से किसी पहली तैयारी के बावजूद अल्लाह तला ने उनको दुश्मनों के साथ टकरवा दिया वो मौजाना तौर पर हुआ था क्योंकि वो बदर के लिए निकले वरना तो ये भी साथ शामिल होते मैं ले अकबा में रसुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ था यानी वो मदीना के लिए जो हिजरत के लिए जिन चंद साथियों ने अनसार मदीना ने राह वार की थी उनमें ये शामिल थे जो इस्लाम की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था एक अल्टरनेटिव बेस मिल गया तो कहते मैं उस रात मौजूद था ये वही रात है जिसमें हमने मक्का में इस्लाम के लिए अहद किया था और मुझे तो ये गजवा बदर से भी ज्यादा अजीज है अगरचे बदर का लोगों की ज़ुबानों पर चर्चा ज़्यादा है मेरा वाक़ यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कवि और इतना साहब माल नहीं हुआ था जितना गजव तबू के मौका पर जबकि मैं आप सल्लाम के साथ तबू के गजवे में शरीक ना हो सका खुदा की कसम इससे पहले कभी मेरे पास दो ऊंट भी जमा नहीं हुए थे लेकिन इस मौका पर मेरे पास दो ऊंट थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़बे के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप जू मानी अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे यानी कोड वर्ड्स जिनके दो माने बनते हैं वो बुहारी मुस्लिम में आए के नबीम कहते थे कल हम मशरक की तरफ जाएंगे और साहबा कहते हैं हम समझते थे कि हमने मगरब की तरफ जाना है ताकि जो मुराफ्किन है वो हमारी खबर लीक ना कर सकें लेकिन गजब तबूक वो मौका था गर्मी बड़ी सख्त थी सफर बहुत लंबा था रेगिस्तानी सफर था और दुश्मन की फौज भी कसरत से थी रोमन अंपायर सात सौ किलोमीटर रेगिस्तानी सफर तमाम मुश्किल सामने थी इसलिए आप सल्ला वसम ने मुसलमानों से इस गजबे के मुतालिक बहुत तफसील के साथ बता दिया था यानी यह जहरा एक मुश्किल वक्त था तो ने खोल के बयान किया कि भाई उधर ही जा रहे हैं यानी मतलब यह है कि जो जो ये नारे लगाते ना कि गुलामी रसूल में मॉल भी कबूल है और टिकट कटा ले अपना ताकि इसके मुताबिक पूरी तरह तैयारी कर ले चुनाची आप सल्लाम ने उसकी सिमत भी निशानदेही कर दी जिधर से आपके जाने का इरादा था मुसलमान भी आप इस्लाम के साथ बहुत ज्यादा थे इतने के किसी रजिस्टर में सबके नामों का लिखना बहुत मुश्किल था कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर इस गजबे में शरीक ना होना चाहता तो वह ख्याल कर सकता था कि इसकी गैर हाजिरी का किसी को पता नहीं चलेगा सवाए इसके कि इसके मुतालिक वही नाजिल हो तो हजरत काब का क्या अकीदा था कि इस्लाम उनके साहबा के पास इल्म गैब नहीं था जब तक कि अल्लाह तला वही के जरिए ना बता दे तो बाबे शाही कोई नहीं हाँ ऐसे में बोला कि ना बोला मेरे नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबेद शाही कोई नहीं और यह अकीदा साहबा का इल्म गैब यह है कि अल्लाह बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस गजबे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो फल पकने का जमाना था और साया में बैठ कर लोग आराम करते थे अच्छा देखिए अल्लाह की नुमाइश के फल पक के तैयार हो जाए तो आपने टाइमली उतारना है अगर आपने नहीं उतारा तो वो तो आपकी पूरे साल की इकोनमी उससे वाबस्ता है अल्लाह ने ऐन उस टाइम पे आजमा लिया कि ठीक है अब तुम नबी के साथ जाओ अब बाद में भी भूख नजर आ रही है कहते है, लोग बैठ के ना चुराहों पर यही बातें करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयारियों में मसरूफ थे और आपके साथ मुसलमान भी लेकिन मैं रोजाना सोचा करता था कि कल से मैं भी तैयारी करूंगा वही जो आज कहते हैं जी कल तो इंशाल्लाह दाढ़ी भी रख लेनी है बस मेरे बच्चियों के हाथ पीले हो जाए तो मैं तो मस्जिद में बैठा रहूंगा ये वही चीज़ है ये हर इंसान पर यह इसे तूले अमल कहते हैं लंबी उम्मीदें लगाना मैं रोजाना उसे टालता रहा मुझे इसका यकीन था कि मैं तैयारी कर लूंगा मुझे आसानियां मुयसर थी यूं ही वक्त गुजरता रहा और आखिर लोगों ने अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को साथ लेकर रवाना भी हो गए उस वक्त तक मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इस मौका पर मैंने अपने दिल को यही समझाया कल या परसों तक तैयारी कर लूंगा फिर लश्कर से तेजी से जाकर मिल जाऊंगा कूच के बाद दूसरे दिन भी मैंने तैयारी के लिए सोचा लेकिन कुछ ना हो सकी फिर तीसरे दिन सोचा और इस दिन भी कोई तैयारी ना हो सकी और यूं वक्त गुजरता गया और इस्लामी लश्कर बहुत आगे बढ़ गया गजबा में मेरे शिरकत के लिए बात अब्दूर की बात हो गई और मैं यही इरादा करता रहा कि यहां से चलकर अब उन तक नहीं पहुंच सकूंगा थींदे थींदे थी गया काश मैंने ऐसा कर लिया होता लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था अच्छा जुर्म हो जाने के बाद आप ये कह सकते हैं मेरी तकदीर में ये लिखा था पहले नहीं हां वो तो फिर अल्लाह पे आप बोहतान मान देंगे ना कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहा कि अल्लाह ने मेरा मुकदर किया है कि मैं अगली नमाज ना पढ़ू ना हां बाद में आप कह सकते हैं कि मेरी तकदीर में लिखा था कि मैं इतना हूं कि मैं नमाज छोड़ूंगा और वो छोड़ूंगा अपनी मर्जी से अल्लाह ने तो अपने इल्म से फोर्सी की है आप अलैहि अलाम के तशीफ ले जाने के बाद जब मैं बाहर निकलता तो मुझे बड़ा दुख होता ओए ओए। क्योंकि या तो वो लोग नजर आते थे जिनके चेहरों से नफाक टपकता था हाँ अब पीछे रहने वाले तो वो थे जो है ही मुनाफिकीन थे शक्लों से ठीक है या फिर वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने माजूर और जयफ करार देकर मुआफ कर दिया था वह सुरह तोबा में नाइन्टी टू नंबर आयत में गुजरा है ना कि वो लोग फिर रसुल्ला से इस हाल में वापस होते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं कि ना हजूर उन्हें कोई सवारी दे सकते हैं आ, गरीब लोग हैं और वो लोग भी जो मरीज हैं उनको अल्लाह तला ने इस हवाले से छुटकारा दे दिया आप सल्सम ने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा लेकिन जब आप तबूक पर पहुंचे तो वहीं एक मजलिस में आपने दरियाफ़ किया कि काब ने क्या किया आप नजरों में तो था ना जी खास बंदे जो होते हैं वो नजरों में तो होते हैं यानी ये तो एक्सपेक्ट भी ना किया जा सकता कि मेन टीम मेंबर पीछे रह जाए तो इससे ना लगाए कि हजरत काब इन मालिक को छोटे बंदे नहीं थे बनू सलमा के एक साहब ने कहा यारसल्लाह इसके गुरूर ने इसे आने नहीं दिया इस पर हजरत मुआजिब ने जबल बोले तुमने बुरी बात कही यारसुल्ला खुदा की कसम हमें इनके मतलब खैर के सिवा और कुछ मालूम नहीं तो बी इस्लाम ने इसके जवाब में कुछ नहीं फरमाया देखें उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है पीछे से कि क्या कुछ होता रहा अब हजूर ने कोई वर्डिंग दी जा रहा नबी को भी गुस्सा था बिन मालिक बयान किया कि जब मुझे मालूम हुआ कि नबीलाम वापिस तशरीफ ला रहे हैं तो अब मुझ पर फिक्र सवार होने लगी और मेरा जहन कोई ऐसा झूठा बहाना तलाश करने लगा जिससे मैं कल आ हजरत की नाराजगी से बच सकू देखे वो भी आम इंसान थे इतने उलुल उजम साहबा लेकिन ज्यादा नफ्स तो हर बंदे के साथ लगा है वो भी सोच रहे हैं कि यार चलो मैं बाना कर लूंगा को मजबूरी थी ओए होए होए अपने घर के हर अकलमंद आदमी से इसके मुतालिक मैंने मशुरा भी की लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि नबील इस्लाम मदीने से बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो गलत ख्याल मेरे जहन से बिल्कुल निकल गए और मुझे यकीन हो गया कि इस मामले में मैं झूठ बोलकर अपने आप को किसी तरह महफूज नहीं कर सकता चुनाचे मैंने सच्ची बात कहने का पुख्ता इरादा कर लिया सुबह के वक्त आ हजरत जब तशरीफ लाए तो आप सल्लाम जब किसी सफर से वापस आते थे तो आपकी ये मुबारक आदत थी कि पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाकर दो रकत नवाफिल पढ़ते फिर लोगों के साथ मजलिस में बैठते जब आप इस अमल से फारिग हो चुके तो आपकी खिदमत में लोग आने लगे जो गजबा में शरीक नहीं हुए थे और कसम खा खा कर अपने उजर बयान करने लगे और ऐसे लोगों की तादाद 80 के करीब थी यानी 80 लोग ऐसे थे जो झूठे बाने लगा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाहिर को कबूल फरमा लिया और उनसे दोबारा से अहद भी ले लिया उनके लिए दुआ मफरत भी की देखो जी आप लोग तो कहते हैं बुजुर्ग दुआ कर दे हजूर ने भी दुआएं मफरत कर दी है लेकिन अल्लाह ने क्रास फेर दिया हाँ ये जेन में रखें आपने बहाना भी कबूल कर लिया दोबारा से बैत भी कर ली चलो तजदीद अहद भी हो गया जी अगर बैठ टूट गई तो दोबारा हो गई और दुआ भी कर दी और उनके बातिन को अल्लाह के स्पुर्द कर दिया क्या बात है जी ये मेरे नबी का ही जिक्र है जी शक्लों से भी पहचान लिया है साहबा अगर पहचान है क्या तो बातिन का मामला अल्लाह जाने उसके बंदे जाने इसके बाद मैं हाजिर हुआ मैंने सलाम किया तो आप्लाम मुस्कुराए आपकी मुस्कुराहट में नाराजगी थी आपने फरमाया आओ मैं चंद कदम चलकर आपके सामने बैठ गया आपने मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम गजवा में क्यों शरीक नहीं हुए क्या तुमने कोई सवारी नहीं खरीदी थी मैंने अर्ज किया मेरे पास सवारी मौजूद थी अल्लाह की कसम अगर मैं आपके सिवा किसी दुनियादार शख्स के सामने आज बैठा होता तो कोई ना कोई बहाना कर लेता और उसकी नाराजगी से बच जाता मुझे खूबसूरती के साथ गुफ्तु का सलीका भी मालूम है लेकिन अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अगर आज मैं आपके सामने कोई झूठा बहाना कर भी दूं और आप राजी भी हो जाएं तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज कर देगा क्योंकि मैं बाजार तो बहाना करूंगा लेकिन अल्लाह तो वही के जरिए आपको बता देगा ये झूठ बोल रहा है इसकी बजाय अगर मैं आपसे सच्ची बात करूं तो यकीन आपको मेरी तरफ से नाराजगी तो होगी लेकिन अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मुआफ कर देगा खुदा की कसम मुझे कोई उजर नहीं था अल्लाह की कसम इस वक्त से पहले मैं कभी इतना आसूदा हाल नहीं था और फिर भी मैं आपके साथ शरीक ना हो सका नबीसलाम ने फरमाया कि इसने सच्ची बात बता दी अच्छा अब जाओ यहां तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में खुद ही कोई फैसला करे मैं उठ गया और मेरे पीछे बनु सलमा के कुछ लोग भी दौड़े आए और मुझसे कहने लगे अल्लाह की कसम हमें तुम्हारे मतलब ये मालूम नहीं था कि इससे पहले तुमने कोई गुनाह किया हो तुमने तो बड़ी गलती की आप इस्लाम के सामने वैसे ही कोई बहाना कर देते जैसा कि दूसरे लोगों ने किया तुम्हारे गुनाह के लिए नबी नबीस्म का इस्तेफार ही काफी हो जाता वही जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है लेकिन सरकार ये का मालिक थे उनको पता था और मशवरा देने वाले भी साफ हैं देखो क्या मशवरा दे रहे हैं के केको बहना कर लेना सी हजूर ने दुआ करनी सी मेंटेलिटी उसमाने में भी उस तरह ही थी ये ना समझे आज के लोग ही कहते हैं उस जमाने में भी ढीले मुसलमान तो थे तो दुआ कर देनी थी तो तूने तो ये कहा अल्लाह की कसम उन लोगों ने मुझे इतनी मिलामत की कि मुझे ख्याल आया कि वापस जाकर कोई झूठा कर ही बहना कारो एडा चलो ठीक है मैं उन जाके बहाना कर लो फिर मैंने उनसे पूछा क्या मेरे अलावा किसी और ने भी कोई ऐसा उजर बयान किया है तो उन्होंने बताया कि हाँ दो हजरात और हैं जिन्होंने माजरत की जिस तरह तुमने की और उन्हें भी वही जवाब मिला जो तुम्हें मिला मैंने पूछा वो कौन है तो उन्होंने बताया कि मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया इन दो ऐसे साहबा का नाम उन्होंने ले दिया जो साले थे और साहब बदर भी थे इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बनी उन्होंने कहा अगर ये दो बदरी साहबी भी उनके साथ भी यही कुछ हुआ है ना तो मैं अच्छे लोगों की फहरिस्त में अब शामिल हो जाऊं मैं अब पक्का हूं इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया चुनाच उन्होंने जब इन बुजुर्गों का नाम लिया तो मैं अपने घर चला आया आप इस्लाम ने लोगों को हमसे बातचीत करने से मुमानियत कर दी लो जी सोशल हो गया, अल्लाह अकबर बहुत से लोग जो गजबे में शरीक नहीं हुए थे उनमें से सिर्फ हम तीन थे लोग हमसे अलग रहने लगे और सब लोग बदल गए ऐसा नजर आता था कि हमसे सारी दुनिया बदल गई है हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं पचास दिन तक हम इसी हाल में रहे मेरे दो साथियों ने तो अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया हर वक्त रोते रहते थे लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी मैं बाहर निकलता था मुसलमानों के साथ नमाज में भी शरीक होता था और बाजारों में भी घूमता था लेकिन कोई शख्स मुझसे बोलता नहीं था मैं नबी सलाम की खिदमत में भी हाजिर होता आपको सलाम भी करता जब आप नमाज के बाद मजलिस में बैठते तो मैं इसकी जस्तजू में लगा रहता कि देखूं सलाम का जवाब देते हैं या नहीं और मेरी नजर हुजूर के होंठों की तरफ होती कि जवाब में हिले या नहीं कनखियों से देखते रहते आप हजूर जवाब भी नहीं दे रहे फिर मैं कोशिश करता कि आपके करीब ही नमाज पढ़ूं और मैं आपको कनखियों से देखता रहता ऐसे करके जब मैं अपनी नमाज में मशगूल हो जाता तो रसुल्ला मेरी तरफ देखते लेकिन जू ही मैं आपकी तरफ देखता तो आप रुखे अनवर फेर लेते जहरा हजूर को भी तो मोहब्बत थी अपने साहब के साथ हजूर देखते थे वो जब यानी अपनी नाराजगी का इजहार वो अगर नमाज में भी हजूर की तरफ देख रहे हैं तो चेहरेवर फेर लेते तो मैं एक दिन अबू कता के बाघ की दीवार पर चढ़ गया वो मेरे चचाजात भाई थे और मुझे इनसे बहुत गहरा ताल्लुक था मैंने उन्हें सलाम किया लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया मैंने कहा अबू कतादा तुम्हें अल्लाह की कसम क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह और उसका रसूल से मुझे कितनी मोहब्बत है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मैंने दोबारा उनसे यही सवाल किया अल्लाह की कसम देकर पूछा लेकिन वो फिर भी खामोश रहे मैंने फिर अल्लाह का वास्ता देकर उनसे सवाल किया इस मरतबा उन्होंने सिर्फ इतना कहा अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं देखो जी उस बात के का जवाब उन्होंने कहा भाई अल्लाह के नबी ने मना किया है अब भाई काट है अब तेरा अल्लाह अकबर इस पर मेरे आंसू फूट पड़े मैं वापस चला आया और दीवार पर चढ़कर नीचे बाहर उतरा फिर वो बयान करते हैं कि एक दिन मदीना के बाजार में जा रहा था कि शाम का एक काश्तकार जो कि गला बेचने मदीना आया था पूछ रहा था काब बिन मालिक कहां रहते हैं लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया वो मेरे पास आया और गस्सान जो बादशाह था रोमन अंपायर का उसका एक खत मुझे दिया वो जो उसका एक समझ ले छोटी छोटी जो अंपायर के अंदर बनी हुई थी उनमें से एक का वो गवर्नर था उस खत में लिखा था कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साहिब यानी रसुल्ला सल्लाम ने तुम्हारे साथ ज्यादा की है नाउद अल्लाह अल्ला ने तुम्हें कोई जलील होने के लिए पैदा तो नहीं किया कि तुम्हारा हक जाया किया जाए तुम हमारे पास आ जाओ हम तुम्हारे साथ बेहतर सलूक करेंगे यानी दुश्मन की फौज के हेड की तरफ से खत आया जब मैंने यह खत पढ़ा तो मैंने कहा कि एक और इम्तिहान आ गया अच्छा जी सरकार एक खत किसी और को लाया क्या जी ए देख लो यार सुल्ला, बड़ी ऑफर जे यहां लोग दुनियादार लोग ही करते हैं ना जी मुझे फलां जगह से आफर हो रही है लेकिन जो अहले ईमान है वो तो कहते हैं कि यार मैं इस लेवल पे गिर गया हूं कि अब काफिर भी मुझे बुला रहे हैं उन्होंने ये रिजल्ट निकाला जो कि मोमिन थे ना मैंने इस खत को तंदूर में जला दिया उन पचास दिनों में से जब चालीस दिन गुजर गए तो नबी नबीलाम का एलची मेरे पास आया और उसने कहा कि रसुल्ला ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी के करीब ना जाओ मैंने पूछा मैं इसे तलाक दे दूं या फिर मुझे क्या करना है तो उन्होंने कहा नहीं तलाक नहीं देनी सिर्फ जुदा हो जाओ मेरे दोनों साथियों को जिन्होंने मेरी तरह माजरत की थी यही हुक्म मिला मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने मैके चली जाओ उस वक्त तक वहीं रहो जब तक कि अल्लाह ताला इस मामले का कोई फैसला ना कर दे काब कहते हैं कि हलाल बिन की बीवी रसुल्ला की खिदमत में हाजिर हुई और यार्ला वो तो बहुत बूढ़े और कमजोर है इनके पास कोई खादम भी नहीं क्या अगर मैं इनकी खिदमत कर दिया करूं तो आप नापसंद तो नहीं फरमाएंगे बीवी देखो जी बीवी खामद को कुछ समझ नहीं रही रसुल्ला से जाके पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबील ने फरमाया सिर्फ वो तुमसे सोबत ना करें उन्होंने अर्ज किया Allah की कसम वो तो किसी चीज के लिए हरकत ही नहीं कर रहे जब से आप उनसे नाराज हुए हैं वो दिन और आज का दिन उनके आंसू थमने में नहीं आते मेरे घर के बाद लोगों ने कहा कि जिस तरह हलाल बिन उमैया की बीवी ने उनके लिए इजाजत ले ली तो आप भी जाके इजाजत ले लें अब देखें लोग मशवरे दे रहे हैं मैंने कहा खुदा की कसम मैं इसके लिए रसुल्ला से इजाजत नहीं लूंगा मैं जवान हूं मालूम नहीं जब इजाजत लेने जाऊं तो हुजूर क्या फरमा दे उनको ये भी खतरा था कि मैं ये जाऊं तो ये ना हो कि हजूर और नाराज हो जाए अगर कोई चांस भी है ना बचने के तो वो भी खत्म हो जाए देखें नहीं कितना गॉड ओरिएंटेड बंदा है जी अल्लाह अकबर इस तरह दस दिन और गुजर गए जब रसुल्लाम ने हमें बातचीत करने की मानियत फरमाई थी इसको पचास दिन पूरे हो गए पचासवीं रात की सुबह को जब मैं फजर की नमाज पढ़ चुका और अपने घर की छत पर बैठा हुआ था इस तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो हम आयत पढ़ चुके हैं सूर्य तोबा की आयत नंबर 118 जिसमें था ना कि जमीन वसत के बावजूद तंग हो गई और उनका दम घुटने वाला था मेरा दम घुट रहा था जमीन अपनी तमाम वस्तों के बावजूद मेरे लिए तंग होती जा रही थी मैंने एक पुकारने वाले की पुकार सुनी जो सल की पहाड़ी पर चढ़कर बुलंदवा से कह रहा था ए का बिन मालिक तुम्हें बशारत हो ऐ का मालिक तुम्हें बिशारत हो उन्होंने बयान किया कि ये सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अब अल्लाह की तरफ से फराखी हो जाएगी फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत का ऐलान कर दिया लोग मेरे पास बिशारत देने के लिए आने लगे और मेरे दो साथियों को भी जाकर बिशारत दी एक साहिब जुबैर बिन अवाम अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आए उधर कबीला असलम के एक सहाबी ने पहाड़ी पर चढ़कर आवाज दी और वो आवाज घोड़े से ज्यादा तेज थी जिन साहबी ने पहाड़ी से आवाज दी थी जब वो मेरे पास बिशारत देने आए तो मैंने अपने दोनों कपड़े उतार कर बिशारत की खुशी में उन्हें दे दिए अल्लाह की कसम उस वक्त इन दो कपड़ों के सिवा देने के लिए मेरे पास और कुछ ना था फिर मैंने अबू कतादा से दो कपड़े उधारे मांगे रसुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ जौक दर जौक लोग मुझसे मुलाकात करते जा रहे थे और मुझे तोबा की कबूलियत पर बिशारत देते जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में तोबा की कबूलियत मुबारक हो काब्रदी अल्लाह बयान करते हैं कि आखिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसोल्ला सल्लाम तशरीफ रखते थे चारों तरफ साहबा का मजमा था तलहा बिन उबैदुल्ला दौड़कर मेरी तरफ आए और मुझसे मुसाफा किया और मुबारकबाद दी अल्लाह की कसम वहां मौजूद महाजरीन में से कोई शख्स भी मेरे आने पर खड़ा ना हुआ तलहा रजी अल्लाह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा उन्होंने खड़े होकर मेरा किया। जब मैंने रसुल्ला को सलाम किया तो आप चेहरा मुबारक खुशी और मुसरत से दमक उठा उस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बशारत हो उस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बिशारत हो जो तुम्हारी उम्र का सबसे मुबारक दिन है वाकई जी इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती किसी शख्स के लिए कि अल्लाह ताला उसकी तौबा की अनाउंसमेंट करते और फिर क्या मत तक कुरान में वो आयात पढ़ी जाए उन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज किया यारसल्ला बिशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से फरमाया नहीं अल्लाह की तरफ से और नबी इलास्लाम जब किसी बात पर खुश होते तो चेरा मुबारक रोशन हो जाता था ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा हो आपकी मुसरत हम चेरा मुबारक से समझ जाते थे फिर जब मैं आपके सामने बैठ गया तो अर्ज किया यारसुल्ला अपनी तोबा की कबूलियत की खुशी में मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल की राम में सदका कर दूं आपने फरमाया लेकिन कुछ माल अपने पास रख लो ये ज्यादा बेहतर है मैंने अर्ज किया कि फिर मैं खैबर का हिस्सा अपने पास रख लेता हूँ फिर मैंने अर्ज किया यारसुल्ला अल्लाह ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी अब मैं अपनी तोबा की कबूलीत की खुशी में आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा सच के सिवा कोई बात जुबान पर नहीं लाऊंगा बस अल्लाह की कसम जब से मैंने रसुल्ला के सामने यह ऐद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसी ऐसे मुसलमान को नहीं जानता कि जिसे अल्लाह ने सच बोलने की वजह से इतना नवाजा हो जितनी नवाजशात मुझ पर की सच बोलने की वजह से जब से मैंने नबीलाम के सामने यह ऐद किया फिर आज तक मैंने कभी झूठ बोलने का इरादा भी नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी जिंदगी भी मुझे इससे महफूज रखेगा और अल्लाह ने अपने रसूल पर आयत नाजिल की और वही आयत नंबर एक सौ अठारह और एक सौ उन्नीस नंबर यकीन अल्लाह ताला ने नबी अनसार की तौबा कबूल की और फिर वकून उदकीन तक खुदा की कसम अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम के लिए हदायत के बाद मेरी नजर में रसुल्ला के सामने सच बोलने से बढ़कर अल्लाह का मुझ पर कोई और इनाम नहीं हुआ कि मैंने झूठ नहीं बोला और इस तरह अपने आप को हलाकत से बचा लिया जैसा कि झूठ बोलने वाले हलाक हुए नजूल वई के जमाने में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला ने इतनी शदीद वईद फरमाई जितनी शदीद वईद किसी और के लिए नहीं थी और वह सूर्य अ की आयत नंबर और वह सूर्य अ की आयत नंबर नाइन्टी सिक्स का उन्होंने फिर यहां पर हवाला दिया कि अंदीब जब तुम नबी वापस जाओगे तो ये झूठे बहाने करेंगे और अगर तुम उनसे राज़ी भी हो जाओ अल्लाह ताला उनसे राज़ी नहीं होगा काब कहते हैं कि चनाचे हम तीन इन लोगों के मामले से जुदा रहे जिन्होंने रसुल्ला के सामने झूठी कस्में खाई थी और आपने उनकी बात मान भी ली थी और उनसे बैत भी ले ली और उनके लिए दुआ मफरत भी की हमारा मामला रसुल्ला ने छोड़ दिया और अल्लाह ने खुद इसका फैसला किया और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की जो हमने ये पढ़ी सूर्बा की आयत नंबर एक सौ अठारह वीफुब बीम